यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बरवाला में आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सीएम मनोहर लाल खट्टर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको चलिए सीधा लेकर चलते हैं बरवाला, जहां पर कृषि मंत्री ओपी धनकर जनता को संबोधित कर रहे हैं। केवल दीवारें खड़ी की गई ग्रामीण स्टेडियम के नाम पर, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो मुझे देखकर बहुत आनंद हो रहा है। हमारे बच्चे इस समय भी, जब हम इसका उद्घाटन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, उस समय भी वो ओपन जिम पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। यानी ये केवल एक स्थान चार दीवारी खड़ी नहीं हुई, एक पंडाल भी है जिसमें खड़े होकर मैं भाषण कर रहा हूँ। इसमें एक ओपन जिम भी है, इसमें ट्रैक भी है, इसमें खेल के लिए उस प्रकार की सारी चीजें खड़ी करने का, और इसमें एक योगा के टीचर भी इसके बीच में रहेंगे। हरियाणा खेलों की भूमि है और खेलों के एक तिहाई मेडल अभी जो कॉमनवेल्थ के गेम हुए ऑस्ट्रेलिया में जीतने का श्रेय अपने यहाँ के खिलाड़ियों को है। जो प्रदेश इस प्रकार का प्रदेश है, मुझे लगता है कि हर व्यायामशाला अब इस प्रकार का खिलाड़ी प्रदेश को देगी। जहां हमारे मेडल की संख्या अभी 22 है, हमारा सपना यह है कि हर व्यायामशाला से ऐसे मेडल लेने वाले खिलाड़ी निकलेंगे, हर जगह से इस तरह के युवा निकलेंगे कि हरियाणा के मेडल्स की संख्या की लिस्ट दुनिया के सभी देशों में सर्वाधिक होगी। न केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के देशों में वो लिस्ट अधिक जाएगी। ये सपना लेकर, ये सोच लेकर और ये इसके लिए पुरुषार्थ करते हुए इन व्यायामशालाओं को हम खड़ा कर रहे हैं। अब आवश्यकता आपकी है, सब लोग जो आज यहाँ इस भाषण को सुन रहे हैं, उन सबसे ये उम्मीद है कि इसको जीवंत बनाएं, ये गांव की गतिविधि का केंद्र बने। गांव के सभी युवा और गांव के प्रौढ़ जो सैर करना चाहते हैं, सुबह के एक दो घंटे का उनका जीवन इस व्यायामशाला में दिखाई दे। शाम का समय इस व्यायामशाला का ऐसा हो जिसकी चर्चा हो कि उस समय युवाओं से मिलना है तो व्यायामशालाओं में मिलेंगे। ऐसा हरियाणा जहां का यूथ किसी स्थान पर केवल और केवल पसीना बहाते हुए, परिश्रम करते हुए अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाते हुए और उस व्यक्तित्व के साथ हरियाणा को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे, ये सपना लेकर हरियाणा सरकार ने इन व्यायामशालाओं को खड़ा किया है। हम इसको हर गांव तक ले जाने का सपना ग्रामीण विकास विभाग का है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद इस बात के लिए है कि बेहतर से बेहतर खड़ा करो, सब गांव तक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करो कि मेरा ग्राम, जिस प्रकार से हम किसान हैं, जिस प्रकार के हम फौजी हैं, इन दोनों में भी हम नंबर वन हैं, लेकिन खेल में भी हम नंबर वन हैं। लेकिन ये नंबर वन अभी दुनिया की टैली में छोटा रहता है, ये नंबर वन दुनिया के सभी मुल्कों की टैली में नंबर वन हरियाणा हो, इस सपने के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं समस्त हरियाणा वासी जो आज सुन रहे हैं, मैं उनकी तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन का अभिनंदन करते हुए और उनसे उनको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और एक हरियाणा के विकास में एक नया अध्याय, एक नया युग खेल खिलाड़ियों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, उन, मैं कहूंगा उन बड़े मन के नौजवानों के लिए भी जिनकी उम्र बेशक 60 की है, जो इसमें खेलेंगे, कूदेंगे, सैर करेंगे, उन सबके लिए इसको प्रारंभ कीजिए। और आप सबको बधाई देते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। भारत माता की जय। और एक और खासियत थी जो अब तक हमें पता नहीं था, लेकिन मुझे जब भी पता लगा, ये जो हमारे बीच में तशरीफ फरमा थे श्री ओम प्रकाश धनकर जी, ये बॉक्सिंग के प्रधान हैं। बड़ी जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है और आपकी रहनुमाई के अंदर ये जो कॉमन वेल्थ हुए थे अभी, उसमें 9 मेडल जो प्राप्त किए हैं, वो तमाम श्रेय आपको जाता है। एक बार भावे जोरदार तालियों के साथ। और इसी के साथ साथ जिसका हमें बेताबी से इंतजार था, वो तमाम लम्हात की घड़ियां हमारे बीच में खत्म होती हुई आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री। तो शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं। साथ ही सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ सांसद रतलाल कटारिया भी वहां पर मौजूद है, उद्योग मंत्री विपुल गोयल भी वहां पर मौजूद है, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी वहां पर मौजूद है। साथ ही कृषि मंत्री ओपी धनकर जो है, अभी अभी उन्होंने अपनी बात वहां पर जनता के सामने रखी। साथ ही 4 सालों का ब्यौरा भी आज सीएम की ओर से दिया जाएगा। आपको बता दें कि 401 व्यायामशालाओं का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, 401 व्यायामशालाओं का उद्घाटन आज किया जा रहा है और इसी उद्घाटन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है।
साथ ही कहीं ना कहीं योग को बढ़ावा देने के लिए और व्यायाम शालाओं को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। और 4 सालों का जो ब्यौरा है वो भी सीएम की ओर से दिया जाएगा। तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। उद्घाटन यहाँ पर किया जा चुका है, 401 व्यायामशालाओं का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में 401 स्थानों पर आज कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग मंत्री और वहां पर विधायक अपने स्तर पर इन कार्यक्रमों का आयोजन करवा रहे हैं, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर बरवाला में मौजूद हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सांसद रतनलाल कटारिया भी कार्यक्रम में मौजूद हैं, उद्योग मंत्री विपुल गोयल भी वहां पर मौजूद हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर का आज जन्मदिन भी है और जन्मदिन के इस खास मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन भी करवाया जा रहा है। तो उद्घाटन वहां पर किया जा चुका है, जो 401 व्यायामशालाओं का उद्घाटन एक साथ किया जा रहा था उनका उद्घाटन वहां पर किया जा चुका है। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने अभी अभी जनता के सामने अपनी बात रखी और अपने विचारों को जनता के साथ साझा किया। आपने सुना कि किस तरीके से अपनी जो उद्योग मंत्री श्री विपुल गोयल जी और हमारे इस इलाके के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री रतनलाल कटारिया जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, सभी हमारे विभाग के अधिकारीगण, स्थानीय इस गांव की सरपंच बहन, कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्थानों पर पधारे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, छात्र छात्राओं, पत्रकार व चित्रकार साथियों, आज का ये अवसर एक नए युग की शुरुआत, क्योंकि ये हरियाणा कहते हरियाणा जित दूध दही का खाना, इस दूध दही के खाने के बाद हमारा शरीर कैसे चुस्त दुरुस्त बने, कैसे बलशाली बने, कैसे ओजस्वी तेजस्वी बने, ये हमारी प्राचीन परंपराएं जहां चलती थी वो परंपराएं समय के हिसाब से थोड़ा क्षीण हुई। उसमें से जब हमने सरकार संभाली तो ये विचार आया कि जो गांव-गांव में परंपरागत खेलों के लिए स्थान बने हुए थे, वो अखाड़े थे, खेल के मैदान थे, और गांव की खाली भूमि पर समय समय पर हम जो खेलों का बड़ा बड़ा आयोजन करते थे, आसपास के गांव को इकट्ठा करा के मेले होते थे, मेलों में खेल होते थे, वो शायद परंपराएं थोड़ी क्षीण हुई हैं, तो कोई इसका नया स्वरूप बनाया जाए। उस नए स्वरूप में ये ध्यान में आया कि गांव में जिस भी गांव के अंदर 2 एकड़ की कम से कम जमीन हमको मिलती है वहां एक पार्क और व्यायामशाला बनाई जाए। पहले चरण में 1000 व्यायामशालाओं का ये हमारा लक्ष्य रखा गया हमने, जिसमें से 750 व्यायामशालाओं का बजट के द्वारा पैसा भी सैंक्शन कर दिया गया है। अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है इस समय 309 व्यायामशालाएं ये कंप्लीट हो गई हैं और आज के दिन 5 मई को इन 309 व्यायामशालाओं का एक साथ उद्घाटन हो रहा है। मैं इस अवसर पर वर्तमान में इन 309 व्यायामशालाओं पर जो भी गांव के लोग, गांव की पंचायत, वहां के महानुभाव बुजुर्ग, मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, कहते हैं कि साउंड माइंड इज इन द हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में ही हमारा जो मस्तिष्क है वो बड़ा तेजस्वी, बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला ये मस्तिष्क हो सकता है। हम खेल करके, व्यायाम करने के बाद, योग करने के बाद अपने शरीर को शारीरिक विकास तो करते ही करते हैं,
अपना मानसिक विकास, अपना बौद्धिक विकास ये भी करते हैं, और जो भी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसको आगे बढ़ने के लिए एक अवसर मिलता है। हमारा चित्त, हमारा मन वो इस प्रकार से विकसित होता है, और निरोगी काया ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज मनुष्य का शरीर, उसको स्वस्थ रहना भी बहुत आवश्यक है। यदि कोई भी छोटी बड़ी बीमारी लगती है और उसका उपचार करना तो बाद की बात है, लेकिन उसको पहले ही यदि हम उसको संभाल कर रखें और कोई बीमारी आए ही ना, तो उसके लिए खेल, व्यायाम, योग ये बहुत आवश्यक है। तो हम चाहते हैं कि गांव का हर नागरिक, चाहे वो छात्र छात्राएं हों, चाहे वो अधेड़ आयु के पुरुष और महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, अपने अपने तरीके से ऐसे स्थानों पर जाकर एक प्रातःकाल, जिसको आधा घंटा का समय मिलता है, आधा घंटा, एक घंटा मिलता है, एक घंटा, दो घंटे मिलता है, दो घंटा, इसी प्रकार सायंकाल इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट रख सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत से कार्यक्रम हमको दिए हैं। देश का विकास, समाज का विकास ये तीव्र गति से हो, उन्होंने एक कार्यक्रम हमको दिया है जिसका नाम रखा है फिट इंडिया, अर्थात हमारा जो भारत है वो चुस्त दुरुस्त रहे, फिट रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए ऐसे प्रकार के कार्यक्रम जो होंगे वो सहायक होंगे। तो इस प्रकार से इन कार्यक्रमों में हम लोगों ने एक हर व्यायामशाला के लिए एक योग शिक्षक का भी प्रावधान किया है। एक योग शिक्षक हमारे अभी आज की डेट में 180 योग शिक्षकों को विभिन्न व्यायामशालाओं के अंदर नियुक्त कर दिया है, और शेष आने वाले समय में जितनी व्यायामशालाएं सब जगह एक एक योग शिक्षक। और मैं चाहूंगा गांव के अंदर भी ऐसे खेल प्रेमी, खास करके कुछ ऐसे एक्स सर्विसमैन जो रिटायर्ड लोग इस प्रकार के भी होते हैं, जो भले ही आज आयु ज्यादा हो गई है लेकिन उनकी अपनी खेलों में रुचि होने के कारण से वो भी चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी उसको खेलों में पारंगत किया जाए। ऐसे सब गांव के लोग अपनी अपनी एक समिति बनाए और वो समिति बनाकर इन व्यायामशालाओं की देखभाल कैसे की जाए, क्योंकि बनाकर देना सरकार के लिए पहला काम बड़ा आसान है, लेकिन बाद में इनको लगातार इनकी देखरेख करना, और देखरेख के बाद इसका जो प्रबंधन है वो स्थानीय लोग अपने हाथ में लें, ताकि यहाँ किसी प्रकार का जो निर्माण कार्य किया गया वो खराब ना हो, या नई नई आवश्यकताओं के हिसाब से और जो चीज़ें चाहिए वो इसके अंदर कराई जा सके। हमने कहा था कि ये जो पेड़ आदि जो स्ट्रक्चर है ये चारों तरफ होनी चाहिए, बीच में नहीं होनी चाहिए, ताकि बीच में हमारे लिए जो मैदान है उसके अंदर, चाहे वो कबड्डी का खेल के लिए मैदान हमको चाहिए, चाहे हमको वॉलीबॉल के लिए चाहिए, फुटबॉल के लिए चाहिए, किसी गांव के अंदर अगर हॉकी की टीम बनती है तो हॉकी के लिए भी वो खेल खेल सकते हैं, चारों तरफ कोई ट्रैक बना के दौड़ भी लगा सकते हैं, हरियाली अगर किनारे पर है तो पैदल चलने के लिए भी एक पगडंडी ये हो सकती है, और जिस प्रकार का एक शेड बनाया गया है ये, इस शेड के नीचे व्यायाम यानी योग भी इसके अंदर किया जा सकता है। योग करने से भी हमारे शरीर की जो एक चुस्ती फुर्ती ये बनी रह सकती है। ये ध्यान के लिए एक बहुत बड़ा आवश्यक कार्यक्रम है, और हमको पता है योग हमारे देश की एक विद्या है, लेकिन इस विद्या को दुनिया में प्रचारित करने के लिए, प्रचलित करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रयत्न किया, और 170 देशों की सहमति उसमें मिली। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मान्यता हमको मिली, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लोग कहते थे कि योग तो केवल भारत की ही पद्धति है, दुनिया शायद नहीं अपनाएगी, लेकिन दुनिया ने इसको अपना लिया है, और हम चाहते हैं कि 21 जून सारे देश में सब लोग योग के लिए अपने आप को तैयार करें, जहां भी उसको स्थान मिले, सामूहिक स्थान, सार्वजनिक स्थान हो, व्यायामशाला हो, योगशाला हो, विद्यालय हो, कहीं बड़ा स्थान कोई हॉल हो, हर जगह योग 21 जून को होता रहना चाहिए, और कहीं दूसरे स्थान पर किसी को ना मिले तो चाहे अपने घर में ही, घर के अंदर भी योग का अभ्यास हम कर सकते हैं, क्योंकि योग की अलग अलग विधाएं ये बहुत लोग जानते हैं, प्राचीन तो हमारे लोग बहुत जानते ही हैं। आज योग शिक्षा को कराने के लिए हमारे पतंजलि योगपीठ के लोग सारे देश भर में एक्टिव हैं, और पतंजलि योगपीठ के लोगों ने हरियाणा में भी इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाया है, सरकार उसमें सहयोग करेगी। तो इस नाते से ये जो योगशालाएं हैं, यहाँ के जो प्रबंधक हैं,
आज से लगातार 21 जून तक अपने यहाँ गांव के बच्चों को, नौजवानों को इसी स्थान के ऊपर योग का अभ्यास कराएं। हर स्थान पर जहां जहां योगशालाएं बन गई हैं, योग का अभ्यास कराते रहें और 21 जून को सामूहिक एक योग की प्रतियोगिता इन सब स्थानों पर होगी। तब तक और भी जो व्यायामशालाएं बन जाएंगी उन स्थानों के ऊपर ये योग की प्रतियोगिता रखी जाएगी और इस योग की प्रतियोगिता के माध्यम से जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर इससे ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि शरीर हमारा एक अमूल्य धन है। हमारे शरीर को, अमूल्य धन को संचित रखने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए शरीर को थोड़ा कष्ट भी होगा, समय भी लगेगा, लेकिन प्रतिदिन के अभ्यास ये बनाए, चाहे व्यायामशाला में बनाए, चाहे अपने सामूहिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हो, चाहे अपने घर में भी हो, इसलिए प्रतिदिन ये अभ्यास, नित्य अभ्यास करना, ये हमारे शरीर शारीरिक धर्म मान करके इस पर लगातार चले। इतनी बात मैं कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। ये थे आपके बीच में आज के मुख्य अतिथि मान के योगी श्री मनुलाल जी, आपसे मुखातिब। बहुत कुछ कहते हुए, बहुत कुछ अपनी ओर से संदेश देते हुए धन्यवाद है आपका। और इसके साथ साथ आज आपके बीच में अगले मैदान पर कबड्डी मैच। तो जी हाँ, कबड्डी मैच के अंदर दो टीम आपके बीच में कार्यरत होंगी, लॉ एंड 12 ब्लैक और लॉयन 12 ब्लू। पहले पायदान पर है लॉयन 12 ब्लैक आपके बीच,